अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, मेरा ताल्लुक कराची से है, वहीं मेरी पैदाइश हुई, लेकिन मैं पली बड़ी और बचपन मेरा अबू धाबी और दुबई के बीच में गुजरा। मेरे वालिद साहब एक बैंकर थे तो उनकी पोस्टिंग गल्फ में ही रही, एंड आई ग्रू अप विद माय सिबलिंग्स लिविंग द लाइफ ऑफ अ वेरी टिपिकल एक्सपैट चाइल्ड। आई हैड एक्सेस टू द लेटेस्ट टॉयज, शॉपिंग मॉल्स, एडवेंचर थीम पार्क्स। वी ग्रू अप इन अ मल्टीकल्चरल सेटिंग, अलग किस्म की नेशनैलिटीज वाले दोस्त थे हमारे चारों तरफ, एंड देयर वाज अ टेकन फॉर ग्रांटेड सेंस ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बट अबव ऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी। बचपन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई लंदन में करी, वकालत पढ़ी, शादी हुई मेरी और आगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी, बैरिस्ट्री करी, वकील से एक वकील हूँ पेशे में, और एक माँ हूँ, एक बेटा एक बेटी है मेरी, और ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेती हूँ, फॉरेन ग्रेजुएट हूँ। तो अगर मेरी शनाख्त के हिस्सों को तकसीम किया जाए, मेरी सोशल आइडेंटिटी को डिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, तो शायद आप कह सकें कि अब तक इसमें कोई खास बात नहीं। मेरा बेटा अब 6 साल का है माशाल्लाह, एंड तकरीबन मेरी उम्र भी 6 साल की ही थी इस तस्वीर में, लेकिन क्योंकि ताल्लुक कराची शहर से है तो वहां एडमिशन्स प्रोसेस बड़ा ही गंभीर किस्म का होता है। सो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ वेरी ग्रूसम स्कूल इंटरव्यूज, और शायद आप लोगों में किसी को पता हो जिनके बच्चे हैं, कि जब स्कूल का एडमिशन इंटरव्यू होता है तो शुरुआत वहीं से होती है कि वालदैन क्या करते हैं, और अगर मदर वर्किंग मदर हो तो इस मौजू पे जरा डिटेल में गुफ्तगू होती है हमेशा। तो जब मुझसे पूछा जाता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं गहरी सांस लेती हूँ और मैं एक पल के लिए रुक जाती हूँ, क्योंकि अब 7-8 साल बाद मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि सुन के सामने वाले का रद्दोअमल क्या होगा, सामने वाले के रिएक्शन से मैं अब थोड़ी मुझे जान पहचान हो गई है, और ये रिएक्शन वही होता है चाहे स्कूल में किसी एडमिशन इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाए, या किसी डिनर गैदरिंग में पूछा जाए, या किसी भी महफिल में मुझसे पूछा जाए। जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं जेल खाना जात में काम करती हूँ और मुजरिमों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करती हूँ और मदद करती हूँ उनकी, ताकि उनके जो केसेस हैं कोर्ट्स में वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और वो जल्द से जल्द रिहा होकर माशरे में वापस आएं और जिंदगी फिर शुरू करें, तो सामने वाला एक दम से चौंक जाता है, एक शक्ल सी बन जाती है कभी कभार तो, और यही कहते हैं कि ऐसा काम क्यों भला, इस काम की क्या जरूरत, कोई मजबूरी है, मियां कमा नहीं रहा क्या, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये तो बैड गाइज हैं, ये गुमराह लोग हैं, इनको सलाहों के पीछे ही छोड़ दो, यही इनको रहना है। और कराची शहर में क्या मगिंग्स कम हो गई हैं, क्या किडनैपिंग्स कम हो गई हैं जो इनको रिहा करके आप नुकसान पहुंचाने वाली हैं माशरे को, तो आप ये क्यों करती हैं। एंड देयर आई बिगेन स्लोली द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग द वेरियस स्टीरियोटाइप्स दैट वी ऑल हैव, द वेरियस मिथ्स दैट वी हैव अबाउट आवर जस्टिस सिस्टम एंड अबाउट पीपल बिहाइंड बार्स। आई बिगेन विद अ सिंपल नोशन, 80% से ज्यादा जेल आमद मुजरिमों की नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, वो बेगुनाह लोग हैं जिन पे इल्जाम लगा हुआ है, उनके केसेस अभी चल रहे हैं, और वकालत में पहले दिन आपको ये पढ़ाया जाता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। शायद आपने वीडियोस या सिटकॉम्स वगैरह में भी या मूवीज में ये सुना हो, तो इन पे अभी इल्जाम लगा हुआ है, ये अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं एज क्रिमिनल्स और एज ऑफेंडर्स। और अगर इनको सजा भी मिल जाए और ये पक्के कैदी हों, कॉन्विक्ट्स भी हों, अपील का तो हक हर किसी का होता है, और अगर सोचा जाए तो आपने और मैंने जिंदगी में कोई ना कोई गलती कभी ना कभी तो की होगी, कुछ ने कोई छोटी गलतियां की होंगी, हम में से शायद कुछ लोगों ने बड़ी गलतियां की होंगी, तो एक और मौका तो हम सबके नसीब में होना ही चाहिए ना। लेकिन मेरा रास्ता जेल तक कहां पहुंचा, यहां काफी लोग हैं जो दैट आर वेरी यू नो टेक सैवी, I wonder कि अगर आप Google Map में लिखें तो can you find the nearest prison to this location? Does it pop up? You know, I would imagine not because of the security issues. Social media पे इस दुनिया के बारे में बहुत कम है. There are no pictures of people that are living behind barracks. There are no stories on the media about them. और मैं छोटे मोटे कैदियों की बात कर रही हूँ. I'm not talking about serial rapists. I'm not talking about serial murderers. डकैतों की मैं बात नहीं कर रही हूँ.
मैं उस लड़के की बात कर रही हूं जिसने नशे की हालत में आपको टीटी पिस्टल दिखाकर सिग्नल पे आपका मोबाइल या आपकी घड़ी चोरी कर दी। मैं उस मासी की बात कर रही हूं जिसपे आपको पक्का यकीन है, शक भी नहीं, आपको यकीन है कि उस दिन इसी ने साइड टेबल पे से आपके डायमंड की इयररिंग्स उठाए होंगे। इन छोटे मोटे लोगों की, इन मुजरिमों की कहानियों की मैं बात कर रही हूं और इनको इंसाफ तक रसाई की में मदद करना ये मेरा काम है। थैंक यू। आई मीन आई एम ग्रेटफुल योर अप्लॉजिंग बट इसमें बहुत दिस वेरी लिटिल सोसाइटल वैलिडेशन। मेरी वकालत बिरादरी में बाकी जो कॉर्पोरेट एंड सिविल लॉयर्स हैं दे आर वेरी स्नूटी, दे लुक डाउन ऑन दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल वर्क, यू नो कि क्यों ये कर रहे हैं। फ्री लीगल एड कॉस्ट मनी, इसके लिए फंड जनरेट करना और भी ज्यादा कठिन बात है। लोग समझते नहीं है इस काम को और मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन छोटी मोटी कहानियों में। एंड देर आर नो जॉब पोस्टिंग, you know, if you wanted to start working in prisons. So, how did I get here? Where did my journey, meri kahani jail ke andar kaise shuru hui? 2003 ki baat hai, mere nana jo ek retired judge hain, retirement ke baad bhi wo ghar baith nahi paaye, unhone kaha ki nahi kuch na kuch to karna chahiye. Unhone 2003 mein ek choti si legal aid clinic auraton ki jail mein Karachi mein qaim kari. 2003 mein main 18-19 saal ki thi, internship karni thi summer holidays mein. तो मैंने कहा मैं यहीं से शुरू करती हूँ। मुझे इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी कि मेरे बाकी के दोस्त मल्टीनेशनल बैंक्स में या मीडिया हाउसेस में इंटर्नशिप्स कर रहे थे एंड हियर आई वाज क्वाइट कंटेंट टू बी चिलिंग इन द वुमेन्स प्रिजन डूइंग सम छोटा मोटा वेलफेयर वर्क विद द चिल्ड्रन एंड द फीमेल इनमेट्स। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस जेल में जाके मेरी जिंदगी की जैसे एक इब्तिदा होगी या मेरी जिंदगी को एक नए मायने मिलेंगे, एक पर्पस मिलेगा मुझे इस प्रिजन के अंदर जाके। जब मैं प्रिजन के अंदर गई पहली दफा, आई वॉज 18-19 years old, 14 years ago, मेरी मुलाकात उस वक्त नसरीन के साथ हुई। नसरीन की उम्र मेरी जितनी थी, लगभग 20 साल की थी। फर्क सिर्फ उसमें और मुझमें यह था कि अदालत ने उसको मुजरिम करार कर दिया था। उसको 25 साल की सजा थी किडनैपिंग के जुर्म में और नसरीन ये सजा अपनी काट रही थी। नसरीन का कहना यही था कि वो बेगुनाह है, उसको फंसाया गया था, उसको गुमराह किया गया था और उसको पछतावा था। बट शी वॉज अ कॉन्विक्ट इन द प्रिजन। नसरीन को मिलके ये लगा कि बड़ी वो दिलचस्प सी थी, बड़ी खुश मिजाज थी। शी वॉज लाउड वाइवेशियस, जेल में जैसे सबको साथ लेके चलती थी। जेल में औरतें होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाती थी, उनके साथ खेलती थी। थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी तो लोगों के लिए खत खतूत लिखती थी। औरतें तो अनपढ़ होती हैं जेल के अंदर, एक जरिया बन गई थी उनके लिए कि वो राबता रख सकें अपने घर वालों के साथ। सो यू कुड से शी वॉज मेकिंग द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन दैट शी वॉज इन। लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही थी। वो रोजाना अपील के गंभीर कानूनी चक्रों में लगी रहती, कहां से वकील पकड़ूं, कहां एप्लीकेशन लिखूं, किस अदालत के पास जाऊं मैं। तो उसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। आज हमारी दोस्ती को तकरीबन 14 साल हो गए हैं। वो दोस्ती गहरी हो गई है, जड़ पकड़ ली है उसकी और मेरी दोस्ती ने। लेकिन इन 14 साल में मैं बहुत बदल गई हूं। 18-19 साल की उम्र में मुझे सुशी एंड सशीमी एंड बीफ टटायाकी नहीं पसंद था, यू नो रॉ मीट। अब मैं बड़े शौक से महंगे महंगे खाने खाती हूं। 14 साल में नसरीन को वही दाल और वही सालन रोजाना पेश होता है। इन 14 वर्ष में मैंने दुनिया घूम ली, काम के सिलसिले में, वेकेशंस के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। नौरीन की एक दरखास्त थी अदालत से कि उसको एक दिन की मोहलत मिले कि वो अपनी मरती हुई मां से मिल ले। उसकी वो दरखास्त अदालत ने रद्द कर दी, वो नहीं जा सकी। शी कुडंट मेक इट इन टाइम। जिंदगी ने मुझे मोहब्बत दी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई है जो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, यू नो ही इज वेरी केयरिंग एंड लविंग। मेरे दो बच्चे हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत मिलती है। नौरीन की जिंदगी में भी मोहब्बत की झलकियां आती हैं। जब जेल के अंदर उर्दू नॉवेल्स में लव स्टोरी स्मगल होकर आती हैं तो वो दिलचस्पी से बार बार उन नॉवेल्स को पढ़ती है, जब तक कि पन्नों पर लिखे हुए अल्फाज घिस नहीं जाते, वो पढ़ती रहती है।
मेरी जिंदगी में दोस्तियां हैं, आई हैव चाइल्ड हुड फ्रेंड्स दैट वर ग्रोइंग अप विद, वी हैव चिल्ड्रन टुगेदर, दे आर गोइंग थ्रू द सेम लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव गॉन थ्रू, आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन की जिंदगी में भी दोस्तियां हैं, चंद हफ्तों की होती हैं, कुछ चंद माह की होती हैं। जब वो सहेलियां रिहा होके बेल पे चली जाती हैं तो वो रिश्ते वहीं के वहीं टूट जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप इन टच विद देम एनीमोर। आज 14 साल हो गए हैं, अपील के सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। मैं यहां हूं आज, वो वहीं है, एंड दैट्स जस्ट हाउ इट इज। लेकिन वुड यू बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू कि जब भी मैं उससे मुलाकात करने जाती हूं, उसकी मुस्कुराहट में वही नरमी है, उसके अंदाज में वही प्यार है, उसके अंदर एक कतरा नफरत किसी के लिए नहीं है, एक कतरा गुस्सा किसी के लिए नहीं है, ना किसी प्रिजन कांस्टेबल के लिए, ना किसी जज के लिए जिसने उसकी दरख्वास्त रद्द की हो, ना मेरे लिए, ना आपके लिए होगा, ना इस माशरे के लिए होगा। वो माशरा जिसमें एक अमीर इंसान का तजुर्बा इंसाफ तक रसाई का और एक गरीब इंसान के तजुर्बे में अब जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सो दैट इज हर, एंड फ्रॉम हर इज वेयर आई ड्रॉ ऑल माई स्ट्रेंथ। पीपल माइट से कि उसकी उसके पास क्या है किसी को देने के लिए, लेकिन उसने मेरी झोली भर दी है। आई ड्रॉ माई पर्पस फ्रॉम हर, माई स्ट्रेंथ फ्रॉम हर, एंड माई एम्पावरमेंट फ्रॉम हर। तो उसकी वजह से और हमारी दोस्ती की वजह से मैंने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि आई मस्ट मेक द स्विच फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड सिविल वर्क टू वर्किंग इन दिस लीगल एड क्लिनिक। एंड मॉडल बड़ा सिंपल था, हर गरीब इंसान जो कहता है कि वो बेगुनाह है, उसको एक मुफ्त और काबिल वकील टाइमली तौर पर मिल जाना चाहिए। और आज मैं ये फखर से कह सकती हूं कि आई एम मैनेजिंग वन ऑफ द बिगेस्ट लीगल एड प्रोग्राम्स इन साउथ एशिया फॉर प्रिजनर्स। 20 से ज्यादा जेल खाना जात में, 20 से ज्यादा जेल खाना जात में वकील जाते हैं, केसेस करते हैं, और 7-8 साल में कोई 10,000 से ज्यादा कैदी रिहा हो गए हैं, बड़े बच्चे बूढ़े, थैंक यू, और उनको एक मौका मिला है माशरे में वापस आके एक एक न्यू टुमारो, एक नई सुबह देखने का। एंड सो दैट्स वेयर द जर्नी रियली बिगैन। द आइडिया वाज टू गिव एवरीवन एक्सेस टू अ गुड एंड फ्री लॉयर। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं हाउ डू यू स्विच ऑफ। कहने को तो मैं छोटे मोटे कैदियों के साथ काम करती हूँ, एक बच्चा नशे में, उसने 14 अगस्त के दिन मोटरबाइक जॉय राइडिंग के लिए चुरा ली हो किसी से, या किसी ने मोबाइल फोन चुरा लिया हो। लेकिन हर रोज मुझे मेरे काम के सिलसिले में गंभीर किस्म की गुर्बत का सामना करना होता है, बेबसी देखनी होती है, लाचारी देखनी होती है, सफरिंग देखनी होती है, स्टोरीज एंड नैरेटिव्स ऑफ ब्रोकन फैमिलीज, ऑफ असॉल्ट एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट ओल्ड पीपल। एंड मुझसे दोस्त पूछते हैं कि हाउ डू यू स्विच ऑफ, यार हम लोग तो रात के 9 बजे की खबरें नहीं देख सकते, डिप्रेशन होने लगती है, एंड दिस इज व्हाट यू डू एवरी डे। How do you take your son to a birthday party at 6 o'clock after a day at work? The truth is that I don't switch off, and I can't switch off because 40% se zyada log ghurbat mein mubtala hain. Apparently, literacy rate 58% hai. We are a legally disempowered nation. Hame apne haq huquq ke bare mein andaaza hi nahi hai, to hum us haq huquq ke liye kya awaaz uthayenge, kaise uthayenge, aur usko hasil kaise karenge? एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूं, अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई गिरफ्तार हो जाए तो कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, अदरवाइज इट इज इलीगल डिटेंशन। कई औरतें हैं जिनके साथ मैं काम करती हूं, जिनको पुलिस गिरफ्तार करके नामालूम जगहों पर दिनों तक रखती है, उनके साथ ज्यादतियां करती है, और जब वो औरतें कोर्ट तक पहुंचती हैं तो दे हैव नो आइडिया ऑफ द इलीगैलिटी ऑफ दैट डिटेंशन एंड दे नेवर रेज इट। But had they known, had they had the power of this knowledge, perhaps they would have spoken up. So maine bahut jaldi realize kiya ki sirf ek muft vakil dena is not enough. We have to cultivate our human agency. We have to activate it taki koi kisi pe mohtaj na ho. Kal vakil na ho, lekin you know better taki you can shape your destiny and you can make informed decisions. Thank you. तो हमने फिर पहली दफा जेल के अंदर कैदियों को पढ़ाना शुरू किया।
And I'm not talking about basic literacy, being able to write your name in akhbar padna. Main aapko batana chahti hu bade fakhr se ki aaj Sindh ki jail khana jaat mein 800 se zyada qaidi hain jo paralegal hain, jo family law jante hain, property law jante hain, rent agreement bana sakte hain, jail ke qawaneen unko aate hain, court kacheri ke bare mein pata hai, appeal ke haq ke bare mein in sabko pata hai. And you know, wo sirf is ilm ke balboote, wo sirf apne cases achhe se samajh nahi sakte aur unse achhe se ladte hain, lekin wo dusre qaidiyon ki madad karte hain aur kal ko jab wo riha honge to wo bahar jaake maashre mein bhi apni ye knowledge base istemal karenge. So this paralegal training was very very important for us. The idea that I come to you with today is very very simple, and Nasreen is again, you know, a paralegal. आज जब नई औरतें जेल में आती हैं तो नसरीन उनका हालचाल पूछने के बजाय उनका उनके केसेस सुनती है. अगर किसी वकील की हिम्मत हो कि वो उनको गुमराह करे, फीसें निकाले, गलत एडवाइस दे के, तो वो उनको गाइड करती है, उनको अपील और बेल के रास्ते बताती है. सो माई आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स बीन सेड मेनी टाइम्स बिफोर. इट इज फॉर अस एज द एजुकेटेड लॉट इन सोसाइटी टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन बींग्स कैन मेंड देयर वेज. इट इज टू बिलीव in the sincerity of repentance and remorse, and it is to believe that we are all entitled to a second chance. Main do teen dafa mug hui hu aur aakhri dafa jab mere miyan aur mere peshani pe ek pistol rakhi gayi thi us waqt to lagta hai zindagi aapki aankhon ke samne se guzar rahi hai. Mera beta 3 saal ka tha, mere saath tha, lekin jab us sadme se thoda sa hum nikle to mere miyan ne gusse se mujhse kaha, kya isko bhi tum free vakil dogi, ye bhi tumhari jail mein aayega, isko bhi tum nikalogi kya? So when I had recovered from the shock and I processed it, I said yes, absolutely, because I truly believe in looking that fear in the eye and in addressing it. If it's the fear of heights you have, there's only one way to overcome it: take the plunge, bungee jump. We as a society are scared of all that is dark and evil and criminals and all that is different from us. Un logon ke halaat alag hain. Let's look that in the eye, let's address it, let's face it. Aaj main आज मैं आपको चंद झलकियां दिखाऊंगी, शायद आपको यकीन ना हो. जेल की बहाली के लिए, जेल के अंदर बच्चों के लिए स्कूल हैं आज, जेल के अंदर फुटबॉल कोचिंग होती है यूथ के लिए, उनको कंप्यूटर की छोटी सी लैब्स हैं, चंद लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, गेम्स रूम्स हैं बच्चों के लिए, और फ्री वकील तो मिलते हैं, और लीगल लिटरेसी की क्लासेस यहाँ एक कॉन्विक्ट पढ़ा रहा है बाकी कैदियों को, और वकील सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ दैट एडवाइस. लेकिन चाहे जितना भी जेल के माहौल को बेहतर हम लोग मिलके कर लें, जेल आखिर जेल है और आज़ादी आज़ादी, और ये आज़ादी हम सबके नसीब में शायद नहीं. आज चाहे जितने भी जिस्मानी तौर पे नसरीन कैद हो, पाबंद हो, उसके ख्यालात हम में से कई लोगों से ज़्यादा आज़ाद हैं और कई लोगों से ज़्यादा बुलंद हैं. और मेरी यही एक गुजारिश है और ख्वाहिश है कि आगे जाके इस माशरे में हम सब के ख्यालात इसी तरह आज़ाद और बुलंद हों. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.